Bismillahirrahmanirrahim. yesterday we talked about uh, improving one's style of writing. no doubt, as i have mentioned it many a time, that uh, style is somewhat personal. obviously, when something is personal, it does not mean that you can't do anything about it. and whatsoever has been granted to you or whatsoever blessed by the almighty allah is the final one. No doubt about it that everything comes from him, but definitely there are certain ways, certain means through which you can do what? You can improve your performance, you can improve your style. This is one of the things which we do need to understand, and even the most intelligent people do work hard in order to improve upon their existing capabilities and capacities. The same is true of the columnists They've, they might have their borrowed style but it does not mean that you, they can build upon the borrowed style for the rest of your lives definitely they have to come down to themselves and come up with certain strategies with certain things that they must be doing on daily basis or at least once or twice in a week where they should be improving their existing uh, styles that's where

यू स्टार्ट डूइंग इट एंड दैन लेटर ऑन आपने एक्सपर्टीज हासिल की उसी में लिखने का काम जो है वो बहुत ही टीडियस है बहुत ही मुख्तलफ है और हर शख्स जो है इसको उसी वक्त ही अच्छे तरीके से कर सकता है जब वो अपने आप को मुसल इम्प्रूव करता रहता है इसीलिए आपको मैंने पिछले लेक्चर में ये सुजेस्ट किया था कि आप पढ़िए अपनी लैंग्वेज इम्प्रूव कीजिए अपनी अंडरस्टैंडिंग इंप्रूव कीजिए और बुक्स की तरफ लाजमी ज़्यादा ध्यान दीजिए क्योंकि बुक्स ही एक ऐसी चीज़ हैं जो कि आपको ना सिर्फ इम सिखाती हैं बल्कि आपके अंदर की जो कैपेबिलिटीज़ हैं उनको इनहेंस करती हैं आज हम दोबारा स्टाइल पे बात करेंगे लेकिन हम स्टाइल पे उन लोगों की बात करेंगे जो कि इस टाइम पे लिख रहे हैं आपने ये देखा पिछले लेक्चर में हमने जब बात की थी कि आप अपने स्टाइल को इम्प्रूव कैसे कर सकते हैं लेकिन आज जो लोग लिख रहे हैं उनके स्टाइल में बात करेंगे उनके स्टाइल बेसिकली पांच कैटेगरीज में डेवलप किए गए हैं और उनको कैटेगराइज जो किया गया है वो उनके बेसिकली कंटेंट पे किया गया है कि लिखते क्या हैं किस तरह चीज़ों को प्रेजेंट करते हैं और उनके अंदर वो किस किस्म के आइडियाज को डिस्कस करते हैं दैट इज़ वेयर द स्ट्रेंथ ऑफ एक्लमिस्ट लाइज एज वेल इसमें तीन चीजें हैं जो कि एक एकस्ट को अपने जहन में लाजमी रखनी चाहिए एक ये कि एप्टीट्यूड क्या है पर्सनैलिटी और एटीट्यूड ये डिपेंड करता है कि वो कौन सा सब्सटेंस कौन सा मैटर वो चूज करते हैं कौन सा सब्जेक्ट वो चूज करते हैं लेकिन जो ये तीन चीज़ें हैं एप्टीट्यूड पर्सनैलिटी एंड एटीट्यूड ये एक्चुअली सिलेक्शन ऑफ मटेरियल पे भी इफेक्ट करती हैं डेफिनेटली बहुत सारे ऐसे सब्जेक्ट्स होंगे जिनके ऊपर आप बात नहीं करना चाहते होंगे जिनके बारे में आप सोचते होंगे कि मुझे इसके ऊपर बात नहीं करनी चाहिए या बहुत सारी ऐसी चीजें भी होंगी जिनको कि आप आगे अपने साथ लेकर नहीं चलना चाहते होंगे उसका नतीजा क्या है जब आप ऐसे सब्जेक्ट्स डिस्कस नहीं करना चाहते आपका बेसिकली एप्टीट्यूड नहीं है उस तरफ आप उन सब्जेक्ट्स को चूज इस वजह से नहीं करते कि आप सोचते हैं कि मैं इन सब्जेक्ट्स के साथ जस्टिस नहीं कर सकता हूं तो उसका नतीजा ये निकलता है कि आप उनके ऊपर बात नहीं करते दिस इज वन ऑफ द रीजन दैट यू सी दैट देर आर लॉट ऑफ पीपल देन वी हैव दर्सनैलिटी अब कुछ लोग होते हैं जो कि अपनी पर्सनैलिटी को जब कहीं पे भी अपने आप को लेके जाते हैं तो शायद बहुत सारे लोग उन्हें ये कह सकते हैं कि जी आपको ये सूट नहीं करता अब वो जो सूट नहीं करता मोस्टली वो एक्सटर्नल फैक्टर्स होते हैं लेकिन ऑब्वियसली आपकी पर्सनैलिटी जो है वो आपको जो है वो आगे किसी चीज़ को पसंद ना पसंद में खासा असरअंदाज होती है तो इसी तरह ही बहुत सारे लोगों के बारे में यह कहा जा सकता है कि जी आप सोसाइटी पे क्या लिखते हैं आप सोसाइटी के ऊपर मत लिखें आप किसी और सब्जेक्ट के ऊपर लिख लें तो ये चीज़ें जो हैं ये हम लोग लाजमी कंसिडर करते हैं कि आप पॉलिटिक्स पे बेहतर लिख सकते हैं तो पॉलिटिक्स पे बेहतर लिख लें पर्सनैलिटी मैटर्स इन इन ऑल थिंग्स एंड इवन इन राइटिंग अब आप क्वेश्चन ये उठा सकते हैं कि जी राइटिंग आपने करनी है आपकी शक्ल तो वहाँ पे नहीं लगी होनी शक्ल कुछ कॉलम्स के साथ लगी भी होती है आपकी तस्वीर भी लगी होती है लेकिन आपकी पर्सनैलिटी तो लोग नहीं देखते हैं ऐसी बात नहीं होती है ऑब्वियसली आप सोसाइटी से कट नहीं होते हैं जब आप कट ऑफ नहीं है सोसाइटी से तो उसका नतीजा क्या निकलता है कि आप अपने जो सब्जेक्ट्स हैं वो सोसाइटी के मोस्ट ऑफ द टाइम चॉइसेस के ऊपर आप चूज करते हैं मैं आपको एक छोटी सी यहां पे मिसाल देता हूं कि शोबेज के लोग आपने भी देखे होंगे मैंने भी देखे हैं तो मोस्ट ऑफ द टाइम जो शोबिज़ के लोग हैं वो कुछ ऐसे दबंग किस्म के नहीं होते वो बड़े मीक से और क्या कहना चाहिए कि कमज़ोर दिल हजरात तो नहीं होते लेकिन तब भी वो ऐसा कोई आपको सोच के ये ख्याल नहीं आता कि अच्छा ठीक है जी ये कोई बहुत बड़ी पर्सनालिटी वाले आदमी होंगे ऐसी कोई बात नहीं बहुत कम ऐसा देखने में नज़र आता है अब इसकी वजूहत क्या है वजूहत इसकी बहुत सारी हो सकती हैं ये बेहतर है कि शॉबिस वाले लोग इसको एक्सप्लेन बेहतर कर सकते हैं लेकिन ये लाजमी है कि ऑब्वियसली आपको अपने आप को जो है वो कैरी करना द वे यू टेक योर सेल्फ लॉन्ग वो थोड़ी सी मुख्तफ चीज़ें होती हैं फॉर इंस्टेंस जो पॉलिटिक्स पे लिखने वाले लोग हैं मोस्ट ऑफ द टाइम मेरा ये जतीी तौर पर भी एक्सपीरियंस है और आपने भी शायद यही देखा होगा कि पॉलिटिक्स के ऊपर लिखने वाले लोग जो हैं दे आर प्रिटी वोकल उनके अपने आइडियाज भी होते हैं

जब हम एटीट्यूड पे ऊपर बात करते हैं तो हमें एक और जो चीज़ बहुत बेहतर तरीके से नज़र आती है कि जो सोसाइटी को बहुत क्लिनली ऑब्ज़र्व करने वाले होते हैं वो मोस्टली ऐसे लोग होते हैं जिन्होंने कि सोसाइटी के अंदर अगर कंट्रीब्यूट नहीं भी किया होता लेकिन वो सोसाइटी को बहुत गौर से देख भी रहे होते हैं कहीं ना कहीं उनके कोई ऐसे कोई प्रॉब्लम्स भी हो सकते हैं या उन्होंने कोई माजी में कहीं पे कोई सफ़र किया होता है या किसी तरह की कोई चीज़ दिस इज़ वेयर दे आर कंसिडर टू बी स्पेशलिस्ट बिकॉज दे हैव been पार्ट ऑफ the experiences. तो so, आपके attitude के अंदर वो चीज़ होती है जिसकी वजह से आप वैसा स्टाइल develop कर लेते हैं फॉर इंस्टेंस आप कुछ लोग जो है आपने देखा होगा कि राइटर्स के जो इंसिडेंट्स हैं वहाँ से शुरू करते हैं फिर उसको जो है ना वो बड़े पैमाने पर ले जाते हैं और फिर सुजेशन देते हैं कि ऐसी चीज़ें नहीं होनी चाहिए थी या ऐसा क्यों हुआ है सो दिस इज़ वॉट इट इज़ पार्ट ऑफ देयर मेकिंग पार्ट ऑफ देअर पर्सनैलिटी के और कि वो वैसा ही लिखना शुरू कर देते हैं तो द फाइव प्राइमेली स्टाइल ये सारे का सारा उसके ऊपर डिपेंड करता है जो लिखने वाला है और दिस सिलेक्शन ऑफ द स्टाइल डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ मेटीरियल ए कॉलोमिस्ट डिजायर टू एम्प्लॉय अब ये जो तीसरी बात मैंने आपसे की है सिलेक्शन ऑफ द स्टाइल डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ द मटेरियल एंड कॉलोनिस्ट डिजायर टू एम्प्लॉय बेसिकली ये किस तरह है अब बहुत सारी सियासी बातें ऐसी हैं जो कि डायरेक्टली लिखी नहीं जा सकती हैं उसका नतीजा क्या निकलता है कि जब आप वो सियासी बातें सारी की सारी लिख नहीं सकते हैं तो आप उनको कर किस तरह सकते हैं उनमें एक जो हमारे पास जो तरीका बच जाता है वो ये कि हम कुछ इंसिडेंट्स की बात कर लें हम इंसिडेंट्स को देख लें कि कौन से इंसिडेंट्स हैं जिनके ऊपर हम बेस करके उनको आगे चला सकते हैं अब बेस करेंगे किसी चीज के ऊपर तो बेहतर ये होगा कि आप मीठे अंदाज से बात करते जाएं वो आपने सुना होगा पंजाबी में कि जी सुनाना थी नू कहना नू नू दिस इज वेयर इट इज यू आर कोटिंग सम इंसिडेंट एंड वॉट हैपन्स के वेन यू आर एक्चुअली गोइंग थ्रू दैट यू आर नॉट डायरेक्टली रिफरिंग बट यू आर एक्चुअली रिफरिंग टू दैट क्या आप इन विंडोज में बात करते हैं आप डायरेक्टली बात नहीं करते पॉलिटिक्स में ये भी एक चीज होती है कि आपने वाक़ जो है वो निपोलियन बोनापार्ट का जो है वो सुना दिया है और एक्चुअली अप्लाई किसके ऊपर हो रहा होगा वो आपके किसी मौजूदा प्रेजेंट पॉलिटिकल सिचुएशन के ऊपर हो रहा होगा आपने हिस्ट्री में से कोई ऐसी शख्सियत निकाली है जो कि आप सोचते हैं कि मौजूदा जो साहब हैं जो भी कोई प्राइम मिनिस्टर हैं या प्रेसिडेंट हैं या चीफ मिनिस्टर हैं या गवर्नर हैं उनके ऊपर अप्लाई होता है तो व्हाट हैपेंस एक्चुअली आप जब डायरेक्टली बात नहीं कर रहे होते तो आपने अपना सब्जेक्ट भी कम्युनिकेट करना होता है और जब आपने अपना सब्जेक्ट कम्युनिकेट करना होता है तो उसका नतीजा ये निकलता है कि आप एक्चुअली रिफर करते हैं इंसिडेंट्स को रिफर करते हैं पर्सनैलिटीज को तो सब्जेक्ट भी आपके पास ऐसा आ जाता है कि आप बात नहीं कर सकते लाइक इट विल बी वेरी डिफिकल्ट एनी कॉलमिस्ट टू क्रिटिसाइज दर्सनैलिटी ऑफ ए पब्बलिक वेगर गवर्नर के बारे में लिखना या चीफ मिनिस्टर के बारे में लिखना या इसी तरह अगर बड़े लेवल पे चले जाए नेशनल लेवल पे तो प्रेजिडेंट या प्राइम मिनिस्टर के बारे में लिखना इट्स अ वेरी डिफिकल्ट थिंग तो आप क्या करके सकते हैं सो वेन यू आर कॉट अप इन सच ए टाइट सिचुएशन वे यू कॉन्ट डायरेक्टली मैज समबडी ऑफ डूइंग समथिंग रॉन्ग और यू कॉन्ट सेंग

वट वी शुड से फ्लूड सर्फ इस कि आप जरा सा भी कहीं पर हिस और ऑब्वियसली आपके ऊपर जो है वो कुछ लीगल इश्यूज़ भी आ जाते हैं और आपने ऐसा भी कुछ नहीं लिख देना कि कोई साहब जो है ना वो ये कह लें कि जी इन्होंने मुझे डायरेक्टली अटैक किया था सो so, आप एज ए राइटर यू आर डूइंग समथिंग विच इज़ ट्रेडी सीरियस ऑब्वियसली एंड देन विद डैट यू ऑब्वियसली हैव टू एक्सप्रेस यूर सेल्फ and these columns are the biggest platform as i have already mentioned to you of personal journalism so considering this we have actually different styles which are being practiced by the columnists of the present age and which are being used what we should say in huge number by all those people so the first style which we are going to talk about today is the unified style what is this unified style as the word mentions as the word says

फॉर इंस्टेंस इफ दे आर राइटिंग अबाउट लॉ एंड ऑर्डर और इफ दे आर राइटिंग अबाउट द पोलिकल स्नैरी और इफ दे आर राइटिंग अबाट एनी इंसिडेंट तो वो मुसलसल उसी की चीज़ के ऊपर ही बात करते जाते हैं कॉन्सिक्वेंटली वी हैव ए सिंगल पीस अब बहुत सारे लोग जो हैं वो इसको कम्पेयर करते हैं ऐसे के साथ भी जब वो ऐसे के साथ कंपेयर करते हैं तो ऑब्वियसली कुछ ऐसी चीज़ें भी आ जाती हैं जो कि एग्जैक्टली exactly ऐसे लाइक -like नहीं होती लेकिन यूनिफाइड स्टाइल जो है वो बेसिकली सिंगल सब्जेक्ट को एक ही दिन में ट्रीट करता है और एक ही एक ही सब्जेक्ट के तहत तो उसको लिखा भी जाता है और इसकी एक्सपर्टीज जो है वो इस वजह से भी बहुत ज्यादा है कि कंसिडरिंग आपके पास एक ही सब्जेक्ट है आपने उसी सब्जेक्ट के ऊपर लिखना है यू कॉन्ट डाइग्रेस और कॉन्सिक्वेंटली यू हैव वॉट यू डू नॉट ह्यूज चोइसेस कि आप जो हैं वो कुछ और ला के उसके अंदर अपना जो मटेरियल है या अपनी जो स्पेस है उसको भर सकते हैं या कुछ भी या जो आपने नंबर ऑफ वर्ड्स लिखने हैं वो भर सकते हैं सो so, इसके साथ प्रॉब्लम्स जो हैं वो इतनी ज्यादा नहीं है कि आपने जो है वो लाजमी वो जगह भरनी है कॉलमनिस्ट के पास जो जितनी भी जगह होती है ऑब्वियसली अगर वो सात सौ लफ्ज लिखते हैं या आठ सौ लफ्स लिखते हैं मोस्टली जो कॉलमनिस्ट हैं वो दे प्रिफर टू राइट सेवन हंड्रेड टू एट हंड्रेड वर्ड्स और एट मैक्स 1200 हंड्रेड वर्ड्स और उसका नतीजा ये निकलता है कि जितना आर्टिकल आपका छोटा होता है जिस तरह के मैंने आपसे फीचर राइटिंग में भी बात की थी उतना ही वो ज़्यादा पढ़ा भी जाता है लंबे लंबे आर्टिकल्स आजकल के दौर में बहुत कम पढ़े जाते हैं तो इस जो यूनिफाइड स्टाइल लिखने वाले लोग हैं वो सिंगल टॉपिक के ऊपर बात करते हैं और सिंगल टॉपिक को ही अल्टीमेट आखिर तक जो है ना वो लेके भी जाते हैं दे हैव एन एम्प्लीफाइड स्पेस वी कैन से आप क्या कर सकते हैं कि आप एक ही सब्जेक्ट के ऊपर लिख के उसको मुख्तलिफ एंगल से डील भी कर सकते हैं दैट इज वेयर वी कॉल ऑफ दट पर्टिकुलर पर्सन ऑफ एग्जॉस्टिंग ऑल इज आइडियाज इज मोस्ट ऑफ द टाइम यूटिलाईज टू सच एन एक्सटेंड Where we believe that the person is actually doing what? The person is utilizing all the ideas, is actually exhausting his thoughts in one go. This is where the unified style of writing is considered to be important. It is also said that it is an essay, an informal or formal essay, we usually say. Like in informal or essay, be hay, formal. Uh, इन अ वे के ऑब्वियसली जो राइटिंग है जो न्यूज पेपर राइटिंग है मोस्ट ऑफ द टाइम ये एक फॉर्मल राइटिंग है जिस तरह आप बात करते हैं अपने दूसरे दोस्तों के साथ वो एक इनफॉर्मल कम्युनिकेशन है लेकिन जो न्यूज पेपर राइटिंग है वो फॉर्मल है अब उस फॉर्मल में क्या है कि आप उस फॉर्मल अप्रोच को जो है वो ऑब्वियसली अच्छे तरीके से उसी गिवन स्पेस में यूटिलाइज करते हैं और मोस्ट ऑफ द राइटर्स आर कंफर्टेबल विद दिस खास तौर पर जो इंग्लिश राइटर्स हैं उर्दू राइटर्स मैंने आपसे इस बारे में बहुत डिटेल में बात की है कि ऑब्वियसली उनको बहुत सारी चीज़ें लानी पड़ती हैं उन्हें अब आई डोंट वॉन्ट टू यूज एक्सप्रेशन स्पाइस लेकिन ऑब्वियसली उनको पता है कि उनकी रीडरशिप क्या है और कौन कौन से लोग उनको पढ़ना चाहते हैं और कौन कौन से लोग उनको पढ़ते हैं तो जब ये सारी चीज़ें हमें कंसिडर करनी पड़ती हैं तो ऑबियसली वो जो राइटर है उर्दू का उसने इंटरेस्टिंग बनाना है और यूनिफाइड स्टाइल उनके लिए शायद इतना प्रॉपर भी नहीं होता है और वो इसको ज्यादा जो है वो इस्तेमाल भी नहीं करते हैं क्योंकि अगर वो इसको ज्यादा इस्तेमाल करेंगे तो शायद उनके राइट राइट अप्स जो हैं वो बोर हो जाए और वो बोरिंग राइट अप्स को अवॉइड करने के लिए वन ऑफ द थिंग्स इज दैट दे ब्रिंग इन अदर थिंग टू इट और जब वो दूसरी चीजें उसके अंदर लेके आते हैं तो उसका नतीजा ये निकलता है कि जो एलिमेंट्स uh, चेंज हो जाते हैं और फिर वो स्टाइल भी डिफरेंट हो जाता है हा एवर एज अर्लियर यूनिफाइड स्टाइल इज मोर पॉपुलर विद द इंग्लिश कॉलोनिस्ट और ये जनरली यूज किया जाता है पोलिटिकल कॉलोनिस्ट की तरफ से सो so, पॉलिटिक्स के ऊपर जो है वो ऑब्वियसली फिर एक ही सब्जेक्ट होगा कि जी डेमोक्रेसी होनी चाहिए या इलेक्शंस होने चाहिए या इस किस्म की जो चीजें हैं कि पॉलिटिकली जो है वो इन चीजों को देखना चाहिए या पॉलिटिकल सॉल्यूशंस देखने चाहिए या इस किस्म की चीजें तो फिर वो इतनी ही स्पेस में वो राइटर जो हैं वो कंटिन्यूसली एक ही आइडिया को जो है वो यूज कर लेते हैं एंड कॉन्सिक्वेंटली वी हैव वॉट वी हैव एन ऐसे काइंड ऑफ एन ऐसे जो कि यूनिफाइड स्टाइल में आ जाता है लेकिन इसको एक्जैक्टली exactly ऐसे कहना भी ज्यादती होगी क्योंकि ये ऐसे से बहुत मुख्तल होता है और क्योंकि आप ऑब्जर्वेशन पर्सनल दे रहे होते हैं ऐसे में ऐसी चीज़ें नहीं होती और मैंने आपसे जिस तरह पहले भी बात की थी कॉलमिस्ट जो है दे आर ऑल्सो यूजिंग बिलीव जब लिखा जाता है या हमारे ख्याल में या मेरे ख्याल में लिखा जाता है तो पर्सनल प्रॉपर्टी एंड यू आर एक्चुअली जब ये कॉलम्स लिखे जाते हैं यूनिफाइड स्टाइल वाले तो दीज आर एक्चुअली मोस्टली वॉट दीज आर ऑल्सो कंसल्टेड बाई पीपल एज वेल कंसल्टेशन से नहीं है के उन कॉलमिस्ट से जो है ना वो लाजमी कॉलम के ऊपर ही बात की जाती है करते भी हैं लोग कम्युनिकेट भी करते हैं सारी चीज़ें करते हैं लेकिन ये कंसल्ट भी किए जाते हैं कहीं पे कोई डिस्कशन होती है पीपल रिफर टू दिस कि जी आप इनको जो है वो आपने फलां कॉलम देखा होगा या फलां सिचुएशन में फलां चीज़ जो लिखी गई थी या फ ने लिखा था वो आपने पढ़ी होगी अब उनके मुताबिक ये सिचुएशन है इस किस्म के जो कॉलम्स हैं उनको कंसल्ट भी किया जाता है उनको अपने जो डायलॉग हैं या डिस्कशन जो हैं उनमें उनके ऊपर बात बी की जाती है जब उनके ऊपर बात की जाती है तो डेफिनेटली जो है इनकी वैल्यू वो ज़्यादा होती है और जिस तरह मैंने ये मेंशन किया आपके सामने कि जो पॉलिटिकल कॉलम्स हैं वो मोस्टली यूनिफाइड स्टाइल के होते हैं और इनमें एक और भी जो चीज़ फॉलो करती है वो ये कि स्पोर्ट्स कॉलम्स जो हैं स्पोर्ट्स कॉलम ऑब्वियसली आप अगर क्रिकेट के ऊपर क्रिटिसाइज कर रहे हैं या हॉकी के सेटअप के ऊपर क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं या आप ये देखते हैं कि फुटबॉल के ऊपर आप क्रिटिसाइज कर रहे हैं कुछ भी पॉलिसीज़ के ऊपर आप क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं अगर गवर्नमेंट की पॉलिसीज को बेहतर बेहतरी की तरफ ले जाने की बात कर रहे हैं तो ऑब्वियसली वो इन्हीं स्टाइल्स में आते हैं और दीज आर कंसिडर टू बी सीरियस एज कम्पेयर टू अदर्स सीरियस से मुराद ये नहीं है कि दी अदर्स आर नॉन सीरियस सीरियसर दीज आर कंसिडर टू बी वेरी सीरियस सो दैट के जो कंटेंट है उसका वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है ज़्यादा उसके ऊपर जो है वो डिस्कशन हो रही होती है और ज़्यादा जो चीज़ें हैं उनके ऊपर उसमें बात हो रही होती है सेकेंडली जिस तरह मैंने आपसे ये भी मेंशन भी किया था कि जो यूनिफाइड स्टाइल में कॉलम्स हैं वो मोस्टली क्या हैं दोज आर एक्चुअली ऑन सिंगल सब्जेक्ट वो एक सिंगल सब्जेक्ट के ऊपर जो है वो लिखे जाते हैं एक ही दिन में ऑब्वियसली वो लिखे जाते हैं और इसकी एक और एक्सपेक्टेशन होती है जो कि हमारे यहाँ कॉलमिस्ट मीट भी करते हैं कि जब आप एक सब्जेक्ट यूज कर चुके हैं जब लिख चुके हैं तो अवॉइड कीजिए कि नेक्स्ट वीक का वही सब्जेक्ट मत पिक कीजिए ऑब्वियसली आपको एक दफा स्पेस मिली आपको जो है वो एक लिखने के लिए कहा गया या आपने खुद लिखा तो बेहतर यह है कि जब आप नेक्स्ट टाइम उस सब्जेक्ट के ऊपर लिखें तो आप चेंज लिखें

बेहतर तरीके से एक्सप्रेस भी करते हैं और बेहतर तरीके से जो है वो उनके ऊपर बात भी करते हैं तो दिस इज़ वॉट इट इज़ के यूनिफाइड स्टाइल जो है वो बेसिकली एक सिंगल आइडिया में और एक ही टाइम पे लिखे जाने वाला सब्जेक्ट होता है और इसके ऊपर मोस्टली जो लोग तबाह आजमाई करते हैं या लिखते हैं वो एक दफ़ा अपने तमाम आइडियाज़ को एग्जॉस्ट करने की कोशिश करते हैं नेक्स्ट काम दिन स्टाइल इट इज वेरी पॉपुलर विदर्दू राइट एन एक्डोट क्या होता है कि जी incident, किसी किस्म का कोई इंसिडेंट हुआ बहुत सारे वाकयात जो है उनको मिला लिया या कुछ वाकयात जो है उनको आपने क्या किया कि उनको आपने कर लिया। जिस तरह थोड़ी देर पहले मैंने आपसे बात की थी कि जब किसी आप हाई प्रोफाइल पर्सनैलिटी को क्रिटिसाइज नहीं कर सकते हैं यू कॉन्ट ब्रिंग एम अंडर योर फोकस और इन द फोकस ऑफ योर माइक्रोस्कोप ऑबियसली Then you do what you come up with certain situations so, and those certain situations are what you have to write and you think that it should be written. So, then you, have personalities you, have, you fetch personalities of the previous decades or centuries through the present time. Now, you are talking about old but actually you are doing what you are referring to, the present circumstances. आपने बहुत अरसा पहले शायद तो नहीं अभी कुछ लोग जो हैं वो रिसेंटली भी लिखते हैं कि जब बहुत ज़्यादा प्रेस लॉज थे और कोई मीडिया इतना आज़ाद नहीं था आज के दौर की नस्बत अब तो मीडिया बहुत ज़्यादा आज़ाद है तो उस दौर में लोग फिर क्या करते थे जब पॉलिटिकल मूवमेंट्स को जब गवर्नमेंट्स को क्रिटिसाइज नहीं किया जा सकता था तो वो जो पुराने वाकिया होते थे उनको किसी तरह से वो अपने उस फोकस में ला के उनके ऊपर बात करते होते थे तो एक ये भी है कि आप पुराना इंसिडेंट उठा लेते हैं पुरानी किसी शख्सियत को उठा के उनके ऊपर आप लिखना शुरू कर देते हैं दूसरी तरफ जो हमारे यहाँ आजकल एक पॉपुलर स्टाइल है वो ये कि आप मुख्तलफ इंसिडेंट्स उठा के उनको बस एक आर्टिकल में या एक कॉलम में जो है वो लगा देते हैं अब उनका बाजू का ताल्लुक नहीं भी बन रहा होता का ताल्लुक बन भी जाता है बन जाए तो फ़ाबेहा अगर नहीं भी बनता तो बहर वो बात चल पड़ती है अब ये जो स्टाइल है मुख्तलि जो वाक़ हैं मुख्तलफ जो इंसिडेंट्स हैं उनको अपने कॉलम्स में लाना ये स्टाइल थोड़ा सा या ज़्यादातर जो है हम कह सकते हैं कि उर्दू जो राइटर्स हैं उनके साथ पॉपुलर है और वो ऑबियसली उन्हीं को जो है वो साथ ले कर चल रहे हैं और नो डाउट अबाउट इट कि उनकी रीडरशिप भी जो है वो भी ज़्यादा है और लोग ऐसा पढ़ना भी चाहते हैं बल्कि हमारे यहाँ इस टाइम पर उर्दू में कुछ ऐसे कॉलम्स भी शुरू हो चुके हुए हैं जिनमें के पुराने वाकया वाक़ात को जो है वो थोड़ा बहुत शॉर्टन करके ब्रिज उनकी वर्शन जो हैं वो छापी जाती हैं तो दैट इज़ वेयर वी सी दैट दिस इज़ वेटी पॉपुलर इन दी उर्दू मीडियम एज कम्पेयर टू दी इंग्लिश न्यूज पेपर सो इन स्टाइल वी हैव ए नंबर ऑफ अन रिलेटेड और रिलेटेड स्टोरीज कोई भी इंसिडेंट्स हैं स्टोरीज हैं चाहे वो रिलेटेड हैं चाहे वो नहीं हैं वो जो है वो लगा दी जाती हैं अगर ये हो गया कि वीक इन रिव्यू है और उस किस्म का कोई कॉलम चल रहा है तो जो भी इंटरेस्टिंग वाक़ हुए होंगे उनको जो है वो लगा के और उनको इकट्ठा करके एक कॉलम बना दिया जाता है और ऑबियसली वो वाकत जो हैं वो ऑर्डनरी नहीं होते वो कुछ ना कुछ रिफ़्लेक्ट कर रहे होते हैं चाहे सोसाइटी को रिफ्लेक्ट कर रहे हो या अदरवाइज दैट इज़ वेयर दी एक्सपर्टीज ऑफ दी कॉलमिस्ट कम्स इन दैट ही हैज़ टू कंसिडर वाट इज़ इम्पॉर्टेंट और वाट इज़ नॉट

कहते हैं और वो यही जो है वो उसको कंसिडर किया जाता है इन्हीं एनकडोटल स्टाइल्स में एक और जो चीज़ कंसिडर करते हैं राइटर्स और वो लिखते भी हैं वाइटी ऑफ एक्सपीरियंसेस वो जो हैं वो इकट्ठी करके एक सिंगल कॉलम में लगा दी जाती हैं और वो वराइटी ऑफ जो एक्सपीरियंसेस है दैट इज़ एक्चुअली पार्ट ऑफ व्हाट पार्ट ऑफ द पर्सनालिटीज और वो उन्हीं पार्ट के साथ जो है वो कंसिडर करके और वो एक अच्छा कॉलम डवेल्प कर लिया जाता है अब एक्सपीरियंसेस आपके जहन में ये सवाल आ सकता है कि आप ये सोच सकते हैं कि एक्सपीरियंसेस कितने को एक्सपीरियंसेस? ओबियसली जितनी स्पेस होगी अगर थाउजेंड वर्ड्स का आपको कहा गया है या आपको इससे थोड़ा बहुत ज़्यादा क्या गया है तो आप उन्हीं के बारे में लिख सकते हैं वो एक दो ले लीजिएगा या उससे ज़्यादा जबकि जो इंसिडेंट्स हैं वो समाइम्स पाँच भी हो सकते हैं अगर आप बहुत ज़्यादा आपके पास स्पेस है या इससे थोड़े बहुत कम ही होने चाहिए सो so दैट के ज्यादा इंसिडेंट्स होंगे तो ऑब्वियसली क्या होगा कि वो भूल जाएंगे आप अपनी मिसाल ले लीजिए अगर आपको कोई शख्स आपने किसी सफरनामे की बात सुनाता है या कहीं पे वो गया था तो वो पांच छ जो हैं वो वाकत सुना देते हैं कि जी वहां पे यूं हुआ था यूं हुआ था तो उनमें से मोस्ट प्रोबेबली आप सारे के सारे याद नहीं रख सकते हैं तो अगर एक दो उन्होंने सुनाए होंगे तो वो लाजमी आपको याद रह जाएंगे तो इसी तरह कॉलमनिस्ट भी ये चीज़ जानते हैं कि जब एक रीडर पढ़ता है ओबियसली वो पढ़ने के साथ साथ वॉट ही कैन डू इज ही हैज़ टू रिटेन दो इम्प्रेशन एंड वैन ही इज़ रिटेनिंग ऑल दो थिंग्स इन हिज माइंड अब ये ना हो कि बहुत ज़्यादा चीज़ें मैंशन कर दी जाएँ और नतीजे ये हो कि उनमें से जो इम्पोर्टेंट थी वो मिस हो जाए और जो इतना इंपॉर्टेंट इंसिडेंट नहीं था वो वो उनके जहन में रह जाए तो मोस्टली बहुत जो हद है वो कोई पाँच छः वाक़ अगर कोई न्यूज़ स्टोरीज इस किस्म की हैं उनकी बात कर ली जाती है इससे ज्यादा की बात नहीं की जाती है और जिस तरह मैंने आपसे भी कहा भी है कि एवरिज्ड वर्शन होता है उनका कि उनकी समरी टाइप जो है वो दी जाती है नॉट द होल ऑफ द इंसिडेंट्स साथ साथ जो है वो अनरिलेटेड स्टोरीज एंड वेरिड ऑब्जर्वेशन कैन बियर नो सिमिलैरिटीज एंड हैविंग नो हैिंग ऑन द इच अदर तो दिस दिस इज ऑल्सो द ऑफ करेक्टरिस्टिकोट स्टाइल वेयर जो अनरिलेटेड स्टोरीज भी हैं जो वेरिड ऑब्जर्वेशन भी हैं वो भी उसके अंदर डाल दी जाती हैं दे माइट नॉट हैरिटीज विद ईच अदर और दे माइट नॉट हैव एनी रिलेशनशिप और एनी इफेक्ट ऑन ईच अदर लेकिन वो भी जो है वो लगा दी जाती हैं आपने अक्सर देखा होगा कि कुछ कॉलम्स के अंदर जो है वो एक दो पैराग्राफ्स लिखे गए उसके बाद उनके درمیان में कुछ ना कुछ लाइन लगा दी गई चाहे वो स्टेरिक्स हैं चाहे वो स्टार्स हैं जो भी हैं वो अस्टेरिक्स लगा लिए या स्टार्स लगा लिए कुछ भी कर लिए वो एक्चुअली डिवाइड कर देते हैं अब ये मोस्ट ऑफ द केसेस अंडर दो सर्कमस्टांसिस किया जाता है जब वैन वन इंसिडेंट इज हैविंग नो एक्चुअली इफेक्ट ऑन दी अदर इंसिडेंट्स या उनका कोई आपस में कोई ताल्लुक नहीं है दैट इज वेयर वे स्टार्स एंड इन एन टोटल स्टाइल कॉलोनिस्ट इज एबल टू इंक्लूड सेवरल सैवरलट दिस इज इंपॉर्टेंट वाई दिस इज कंसिडर टू बी वेरी पॉपुलर वन कि इसमें जो है वो बहुत ज्यादा सब्जेक्ट भी ट्रीट किए जा सकते हैं और आपसे मैंने कुछ अर्सा पहले भी ये बात की थी कि जिस तरह मैंने ये कहा था कि कॉलमनिस्ट हैं वो ये लिखते हैं कि खबर है कि फला डी आई जी या फो आई जी पी हैं वो चेंज कर दिए जाएंगे या फला सेक्रेटरी चेंज किए जा रहे हैं अब वो ऊपर चाहे वो सियासत की बात कर रहे हों लेकिन वो नीचे आके कुछ इस किस्म की बात कर देते हैं जो कि एग्जैक्टली एनिक भी नहीं है लेकिन ऑब्वियसली वो को टेल पीस के तौर पर जो है वो उसको इस्तेमाल कर लेते हैं अब जो टेल पीस है किसी भी जो कॉलम uh, में वो एक्चुअली वो आइडिया होता है जो कि आप ऑब्वियसली एक कॉलम में पूरे का पूरा डिस्कस नहीं कर सकते हैं तो आप उसको एज ए टेल पीस जो है वो uh, लगा लेते हैं और उसके साथ मोस्ट ऑफ द टाइम लिख भी दिया जाता है कि टेल पीस इम्पॉर्टेंट वो इतना है कि उसको मेंशन किया जाए लेकिन उसके साथ साथ क्या है कि वो इतना बुरा नहीं है कि आप उसको जो है वो कंसिडर भी ना करें अपने एडिटोरियल के लिए या अपने कॉलम के लिए तो इसलिए वो एज अ टेल पीस भी जो है वो इनमें डील uh, कर लिया जाता ये piece basically है ये टेल पीस बेसिकली जो फिनोमिन है दैट इज़ पॉपुलर विद द इंग्लिश कॉलमनिस्ट नॉट विद द अदर कॉलमनिस्ट सेकेंडली कुछ इसी से मिलता जुलता जो हमारे यहाँ एक और स्टाइल बहुत इम्पॉर्टेंट है और बहुत पॉपुलरिटी में भी है वी कॉल इट डिपार्टमेंटल स्टाइल अब डिपार्टमेंटल स्टाइल क्या होता है इसको प्लीज़ वो उस तरफ ले जाना चाहें तो ले जाइए ये जो डिपार्टमेंटल स्टोर्स होते हैं लेकिन डिपार्टमेंट्स फॉर इंस्टेंस किस तरह कि एक यूनिवर्सिटी है उसमें मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स हैं जी सोशियोलॉजी है जर्नलिज्म है पॉलिटिकल साइंस है हिस्ट्री है फ्रेंच वगैरह वगैरह जितने भी हैं तो इसी तरह ही एक कॉलम जो है वो अपने कॉलम को मुख्तलिफ एरियाज में मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स में डिवाइड कर देता है

कि वो जो कॉलमनिस्ट हैं जो कि पॉलिटिक्स की भी बात करते हैं सोसाइटी की भी बात करते हैं गवर्नमेंट की भी बात करते हैं लोगों की भी बात करते हैं आखिर पर ये लिख देते हैं कि खबर है या इंग्लिश कॉलमनिस्ट जो हैं वो टेल पीस के तौर पर लगा देते हैं सो वेन लॉट ऑफ थिंग्स हैव कॉलम एंड वॉट हैपन्ड के आप जब बहुत सारी चीजें लगा लेते हैं तो उसमें उन सब्जेक्ट्स को जो है वो मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स में डिवाइड किया जा सकता है दोज आर कंसिडर टू बी वॉट डिपार्टमेंटल स्टाइल ऑफ कॉलम्स तो हम ये भी देखते हैं कि हमारे मौजूदा दौर में और ख़ास तौर पर फिर उर्दू जो जर्नलिज़म है उसमें ये इस्तेमाल ज़्यादा होते हैं कि आपने सोसाइटी की भी बात करनी है आपने पॉलिटिक्स की भी बात करनी है और आपके पास शायद कोई इतना बड़ा सब्जेक्ट नहीं है जिसको कि आप सिंगल कॉलम में यूज़ कर सकें तो यू डू वॉट यू कम अप विद दीज स्टाइल्स दीज एक्चुअली हेल्प इन डेवेलपिंग ए कॉलम ंग वन विच इज लाइक्ड बाई द पीपल एंड विच इज रई दीपल आपको जिस तरह मैंने पहले भी कहा था एक बात कि जो वेरीड स्टाइल्स हैं हमारे यहाँ अब वेरीड स्टाइल्स मुख्तु लिखने वाले मुख्तलिफ तरीके से लिखते हैं और फिर वो मुख्त जो सब्जेक्ट एक आर्टिकल के अंदर लाए जाते हैं उसका नतीजा ये निकलता है कि बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो हम एक कॉलम के अंदर या एक सब्जेक्ट के अंदर ट्वीट कर लेते हैं और नतीजतन वी हैव स्टाइल्स बाय पीपल सब्जेक्ट्स बाय दिस हुए ट्रीटिंग दैम सेपरेटली और जब ये सारी की सारी चीज़ें एक जगह पे इकट्ठी हो जाती हैं तो मुख्तलिफ जो रीडर्स हैं वो मुख्तलिफ तरीके से उनमें इंटरेस्ट लेते हैं और वो जो इंटरेस्ट है वो एक्चुअली डिवेलप दैसेज ऑफ टाइम जो है वह होती जाती है और वो उन डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में अपनी इंट्रस्ट भी बढ़ाते जाते हैं so this is considered to be an easy to understand and handle kind of uh, column where we are uh, actually making people uh, understand through various small means and that is where we consider that uh, people will like to read various subjects under one head and that is where uh, most of the columnists are popular as well so this is also a very effective tool for random observations effective tools you have इस तरह से भी है कि जो लोगों की मुख्तलिफ ऑब्जर्वेशन होती हैं जो कॉलमिस्ट की मुख्तलिफ ऑब्जर्वेशन आती हैं वो भी वो इसी सब्जेक्ट के अंडर ला सकते हैं अब ये क्यों किया जाता है ऐसा कि मुख्तलिफ सब्जेक्ट्स आप एक ही जो चीज़ है एक ही जो आइडिया उसके अंदर ले आए या एक ही कॉलम के अंदर ले आए उसकी वजह बड़ी सिंपल सी है वो ये कि अब इंसिडेंट एक इस वीक हो गया है आपका कॉलम जो है उस वीकेंड पर आना है अब नेक्स्ट वीकेंड पर जाके जब आप उस कॉलम को लिखेंगे और आप उस इंसिडेंट को जो कि आप इस वीक हो चुका हुआ है और आपने वो आगे लिखना है तो उसका नतीजा क्या निकलेगा कि आप जब पंद्रह दिन बाद उस इशू को टैकल करेंगे तो वो इशू जो है वो उस वक्त तक स्टेल हो चुका होगा सो टू कीप दशूज फ्रेश एंड टू कीप वॉट कीप दीज दिस कॉलम्स आर एक्चुअली यूज एंड दिस थिंग्स आर मेंट फॉर वॉट टू ब्रिंग लॉट ऑफ थिंग्स इन माइंड

कि बहुत सारी चीज़ें जब वे कॉलम में ले आते हैं तो बहुत बेहतर तरीके से जो है वो लोग उसको समझते भी हैं लोग उसके ऊपर बात भी करते हैं लोग उसको पढ़ना भी चाहते हैं डिपार्टमेंटल स्टोर फॉर इंस्टेंस कि क्यों पॉपुलर होता है इतना ओबियसली कि उसमें आप एक जगह पर जाते हैं बहुत सारी चीज़ें खरीद लेते हैं और वो बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो उसके अंदर चलती भी हैं और नतीजतन यू हैव लॉड ऑफ लॉड ऑफ विजिटर्स देयर सो सेम इज ऑलमोस्ट एप्लीकेबल कि बहुत सारा स्टाफ एक कॉलम में आ गया है वो उस कॉलम में जब आ गया है तो आपके पास एक चॉइस जो बन जाती है वो ये कि आप उसके अंदर बहुत सारे आइडियाज़ दे लेते हैं मुख्तफ़ नामों से ये चीज़ें चलती हैं लाइक इन द मेल बैग लेस्ट वी फोगेट थिंग्स टू रिमेंबर पैसिंग परेड इस किस्म की जो चीज़ें हैं वो भी चलती हैं अब जब हम डिपार्टमेंटल कॉलम्स स्टाइल्स की बात कर रहे हैं इसमें जो एक चीज़ जो कि हमारे यहाँ थोड़ी सी पहले भी मैंने आपसे बात की है कि एनकडोटल स्टाइल है थोड़ा सा ये उसके करीब है लेकिन वहां पे जो है वो से सेपरेटली ट्रीट किए होते हैं डिपार्टमेंटल स्टोर में जो है वो डिपार्टमेंटल स्टाइल में जो है वो थोड़ा सा मुख्तलिफ किया जाता है जिस तरह के एक डिपार्टमेंटल स्टोर में सेक्शन कॉस्मेटिक्स दिस इज फॉर वॉट वी कुड से क्लोथ्स कुरी कटलरी एटसेट्रा एटसेट्रा ये सारी की सारी चीजें उसमें जो है वो जिस तरह ट्रीट की जाती हैं इसी तरह डिपार्टमेंटल कॉलम्स को भी बात अगर कुछ ऐसे वेरीड आइडियाज़ आ गए हैं कि जो कि जिनका कि आपस में कोई ताल्लुक नहीं है तो उनको भी मुख्तु टाइपोग्राफिकल जो एक्सप्रेशन हैं उनसे डिवाइड किया जाता है या स्टेरिक्स लगा के उनको डिवाइड कर लिया जाता है अब जिस तरह मैंने आपसे नामों की बात की है तो इन कॉलम्स के जो नाम हैं वो ऑब्वियसली उन्हीं चीज़ों को रिप्रजेंट करते हैं कि ये इन द मेल बॉक्स आ गया है लेस्ट वी फो गैट लेस्ट वी फो गैट मीन्स देर देर माइट इंसिडेंट्स जो कि आप सोचते होंगे कि ये ना हो कि हम भूल जाएं, बेहतर ये है कि हम इनको मेमोराइज कर लें तो ये इस किस्म की जो चीजें हैं वो भी कॉलम्स में हैं और दीज आर कंसिडर बी पॉपुलर कॉलम्स। और अगेन विल से अगेन दिस इज पार्ट ऑफ द उर्दू जर्नलिज्मी और मोर बेयरिंग ऑन ईच अनरिलेटेड फैक्ट्स स्टाइल क्या है क्या बहुत सारे फैक्ट्स जो हैं वो एक जगह पे इकट्ठे करते हैं और उन फैक्ट्स को आप रीडर्स तक पहुंचाते हैं अब जो पहले पिछली दो टाइप्स की मैंने आपसे बात की है डिपार्टमेंटल स्टाइल और एनेक्डोटल स्टाइल में वो मैंने आपसे बात की है की और इंसिडेंट्स के साथ साथ ऑब्जर्वेशन की मैंने आपसे बात की है यहाँ पे फैक्ट्स आ गए हैं फैक्ट्स अब देखिए कि अगर बजट का सेशन चल रहा है और बजट के सेशन में गवर्नमेंट ने या दूसरे लोगों ने उसको बहुत तनकीद की है कि जी अपोजिशन ऐसे वाविला कर रही है या पीपल आर टॉकिंग इन स्टेट देन देर इज ए पॉसिबिलिटी सर्टन सब्जेक्ट्स वो अब एक कॉलम में वो डिस्कस करना चाहते हैं कि जी प्राइस हाइक बहुत हो गई है अब प्राइस हाइक बहुत हो गई है तो उस प्राइस हाइक को दिखाने के लिए वो चीजों की कीमतें कोट कर सकते हैं टिंग ऑल दोज फिगर्स मे बी दोज आर अनिलेटेड फैक्ट्स इन अ वे बट दोज आर एक्चुअली कनेक्टेड टू दैट पर्टिकुलर इवेंट जो भी होने वाला है बजट आ रहे हैं या कोई एनुअल डेवलपमेंट रिपोर्ट है या कुछ भी कोई भी चीज है तो उनके साथ वो रिलेट करने के लिए वो फैक्ट सामने लाएंगे अब वो फैक्ट्स जो है वो इतने ज्यादा रिलेटेड भी नहीं होंगे फॉर इंस्टेंस अगर आप जिस तरह मैंने आपसे मैं ग्रॉसरी की प्राइसिस की आप बात करेंगे ये चीजों की कीमतें बढ़ गई हैं तो आप उसके साथ साथ क्या करेंगे अगर आपने यह भी मैंशन करना है कि लोग जो हैं वो दे आर कमिटिंग सुसाइड्स बिकॉज ऑफ द प्रॉब्लम दैट दे कैन नॉट फीड चिल्ड्रन और दे कैन नॉट फीड देल्स और पीपल आर सफरिंग बिकॉज ऑफ द दॉन अवेलेबिलिटी ऑफ मेडिसन एट द गवर्नमेंट और दिटल तो ये मुख्तलिफ़ चीज़ें हैं कि इतने लोगों ने इसने इतने साल में खुदकुशी की है या इतने लोगों ने क्या किया है कि ये लोग ट्रीटमेंट नहीं करवा सके या इतने लोग जो हैं वो बीमारियों में मुब्तला हेल्थ बजट इतना होना चाहिए था एजुकेशन बजट इतना होना चाहिए था ये सारे के सारे ऑन द फेस ऑफ इट माइट बी अनरिलेटेड टू इच अदर लेकिन आपने करना क्या है कि आपने डेफिनेटली जो है वो उनको पिक करना है उनको आगे जो है ना वो आपने उनके बारे में बात करनी है तो आप उसका क्या तरीका अडॉप्ट करते हैं क्या आप उन अनरिलेटेड फैक्ट्स को एक कॉलम में ले आते हैं मे बी समबडी विल लाइक टू टाइटल इट एज फिगर्स और ये भी कह सकते हैं कि जगलरी ऑफ फैक्ट्स या जगलरी ऑफ फिगर्स इस तरह लोग जो हैं वो बात करते हैं और उनको बनाते क्या है कि दे ब्रिंग डिफरेंट फैक्ट्स अंडर वन हेड सो दैट इज वाई दिस कॉलम लिटल और मोर बेरिंग ईच अदर कि जब बहुत ज्यादा जो है वो आप किसी चीज के ऊपर बात नहीं कर सकते हैं तो आप थोड़े थोड़े बिट्स में वहां पे उनको उसी कॉलम के अंदर एडजस्ट कर लेते हैं

कोशिश की जाती है कि एक सिंगल आइडिया जो है वो कम्युनिकेट हो अब इसको चीज को समझना कि आपने मुख्तु सब्जेक्ट्स लाए हैं और मुख्तलि बात कर रहे हैं और अगर उनकी एक दूसरे के ऊपर जो बैरिंग है दैट इज लेस वी कैन डू व्हाट वी कैन एक्चुअली कम अप सर्टेन सिचुएशंस वेर यू आर अरेंजिंग दोफरेंट सब्जेक्ट एंड डूइंग वॉट यूर डूंग एक्चुअली

कि अगर यही चीजें हैं तो ये शो ये करेंगे कि गवर्नमेंट की जो फाइनेंशियल पॉलिसीज हैं एक्चुअली नो बेनिफिट फॉर द मासेस आप उसके ऊपर कोई बात नहीं कर रहे डायरेक्टली कुछ नहीं कह रहे आप लेकिन इनडायरेक्टली आप वो लाजमी शो कर रहे हैं कि दीज आर दिंग्स विच आर एक्चुअली अफेक्टिंग पीपल दीज आर दिंग्स विच शुड बी कंसिडर्ड द गवर्नमेंट सो दिस इज ऑल्सो वे ऑफ टैकलिंग इश्यूज विच यू कैन नॉट अदरवाइज टॉक अबाउट दैम सो यू आर एक्चुअल डूंग वॉट यू आर ड्रिंगिंग दो फैक्ट्स विद ए डिस्टिंगशन ऑफ अनरटेड फैक्ट्स सिंपली सेपरेटिंग दैम विद वन और मोर पीरियड्स आप ब्रेक लगा के मतलब एंटर जो हमारे कीबोर्ड होता है उसके साथ दे के आप थोड़ी सी स्पेस दे के आप उन फैक्ट्स को जो है वो लिखते जा रहे होते हैं एस्टेरिक्स इस्तेमाल नहीं होते इसमें बस बात की जाती है कि ये ये चीजें हैं और आपका कमेंट इसमें कम आ जाता है लेकिन आपकी पर्सनल लाइकिंग फॉर ब्रिंगिंग फैक्ट्स टू द वो डेफिनेटली इसमें ज्यादा है। और आप क्या कर सकते हैं कि आप मुख्तलिफ सब्जेक्ट्स के साथ साथ बात करते हुए ऑब्वियसली विद वन और टू एट मैक्स आप उसमें एडिशन कर सकते हैं जो उसमें थोड़ा सा पॉज आता है इट डिपेंड्स ऑन द अरेंजमेंट ऑफ द फैक्ट्स कि अगर आपने बहुत डाइवर्स सब्जेक्ट जो है वो चूज कर लेना है उसी कॉलम के अंदर जो फैक्ट स्टाइल का कॉलम तो नहीं ट्रीट करना तो आप उसके अंदर पॉज नहीं देते हैं तो अरेंजमेंट ऑफ फैक्ट इज डिपेंडेंट अपॉन काइंड ऑफ सब्जेक्ट यूर ब्रिंगिंग एन एंड दिस इज वेयर योर एक्सपर्ट इज कम एन मोर ओवर यू ऑल्सो डू वॉट यू ब्रिंग अप सरप्राइजेस बाई वी ऑफ इंटरेस्ट इन एट सरप्राइजेस किस किस्म के कि जो लोगों को पहले इंफॉर्मेशन नहीं थी अच्छा ऐसा भी हो चुका है फॉर इंस्टेंस एक बहुत बड़ी जो बात मोस्ट ऑफ द टाइम की जाती है वो ये कि जी फला शहर जो है उसमें सबसे ज्यादा घाड़ियाँ चोरी होती हैं या फां शहर जो है वहां पर सबसे गंदा पानी है सबसे ज्यादा लोगों को प्रॉब्लम वहां पर होती हैं लाइक like, कुछ अरसा पहले जो था वो फैसलाबाद का जो पानी था उसको बहुत गंदा कंसिडर किया जाता था उससे पहले कसूर का पानी बहुत गंदा कंसिडर किया जाता था और इसी की वजह से प्रॉब्लम्स भी हो रही थी तो अगर एक साहब जो हैं वो बीमारियों के ऊपर कॉलम लिख रहे हैं और वो ये सोचते हैं कि इट इज़ बिकॉज ऑफ द फेलियर्स ऑफ द गवर्नमेंट पॉलिसी ही विल एक्चुअली डू वॉट ही विल एक्चुअली एट वन पॉइंट टॉकिंग अबाउट सिचुएशन इन फैसलाबाद कि जी वहां का पानी गंदा है वहां पे इस दौरान फैक्ट ये ये दे रहे नॉट गेविंग कॉमेंट्स फिर वो कसूर पर आ जाएंगे एंड इज अबिलिटी बात कर लेरिया की बात कर रहे तो दिस इज वॉट इट इज सब्जेक्ट कर रहे so हैं तो वो आपने इंसिडेंट जो है वो ऐसे कोर्ट कर रहे हैं जो कि ऑब्वियसली लोगों को इंटरेस्ट बढ़ाए फैसलाबाद में अगर ऐसा हो गया कसूर में ऐसा हो गया टुमारो इट कैन बी माई सिटी डे आफ्टर टूम माई ब्रदर सिटी और समथिंग लाइक दैट ये जो फैक्ट्स की वेरिएशन है दैट इज ऑल्सो डूइंगट इज ऑल्सो गिविंग लाइफ टू द कॉलम कॉलम के अंदर वो जिंदगी पैदा कर देती है वो चीज ये चीज की जा रही है और इस चीज को हम किस तरह देखते हैं कि हम ये देखते हैं कि ये हमारी लाइफ को ज्यादा अंडर प्रेशर ला रही है इट इज कनेक्टिंग एस टू अदर सर्टन थिंग्स विच कैन Adversely affect our future और इन इफेक्ट्स की बेस पे हम क्या चीज देखते हैं इन इफेक्ट्स की बेस पे हम ये देखते हैं कि जो कॉलमिस्ट हैं वो अपना आइडिया कम्युनिकेट करते हैं विद आउट कमेंटिंग इन एनएसटाइप और इन एक ओपिनियटेड आर्टिकल या फीचर एक तो ओपिनियन आपने दे दिया जी मुसलसल ये उससे मुख्तलिफ है कॉमेंट से बहुत मुख्तलिफ है इसमें आप फैक्ट्स ला रहे हैं विद आउट मोस्ट ऑफ द टाइम सेइंग एनीथिंग। आप फैक्ट सामने ले आइए और उसके बाद बात करना शुरू कर दीजिए जैसे आपने अक्सर अपने क्वेश्चंस जो हैं, वो अटेम्प्ट किए होंगे कि जी क्या क्या प्रॉब्लम्स हुई थी जब पाकिस्तान बना था तो आप उसमें ये लिख देते हैं कि जी पाकिस्तान जब बना तो मदरजा जायल मिसाइल थे अब उन साहब ने भी एक आध फिर लिखना है कि जी गवर्नमेंट की पॉलिसीज के ऊपर बात हो रही है तो गवर्नमेंट को ये ये चीजें करनी चाहिए थी गवर्नमेंट ने जो है वो ये किया है अब उसकी वजूहत कुछ मिली जुली सी हैं कुछ इस किस्म की हैं एक दो फिक्रे लिखे उसके बाद नीचे जो है वो फैक्ट्स रिलेटेड स्टाइल के साथ उन्होंने जो है वो अपने ऐसे को या अपने आर्टिकल को या अपने कॉलम को उसमें कंप्लीट कर लिया लेकिन उसमें उन्होंने ज्यादा कमेंट्स नहीं डाले नतीजतन क्या हमारे पास आता है कि हम लोग ये देखते हैं कि बहुत सारे फैक्ट्स हमारे पास ऐसे भी आ जाते हैं जिनको के आप बगैर कहे हुए लोगों को अपना मैसेज कम्युनिकेट कर देते हैं देन वी हैव एन अदर स्टाइल विच इज इक्वली पॉपुलर विद बोथ द इंग्लिश राइटर्स एज वेल एज दर्दू राइटर्स वी कॉल इट क्वेश्चन आंसर स्टाइल अब क्वेश्चन आंसर स्टाइल वैसा नहीं है जिसकी कि हम अगले लेक्चर में बात करेंगे ये कुछ मुख्तलिफ है इसमें जो है वो खुद ही एक क्वेश्चन जो है वो रेज करता है कि हमारे मुल्क में ऐसा हो रहा है या फला मुल्क हमारे ऊपर प्रेशर डाल रहा है या हमारी फॉरेन पॉलिसी जो है उसको इस तरह होना चाहिए था हमारी फॉरेन पॉलिसी क्यों फेल हो गई है जब वो ये बात करता है तो वो एक्चुअली जो खुद ही क्वेश्चन उन्होंने रेज किया है आपके सामने उसी क्वेश्चन का खुद बखुद जवाब देते हैं वो क्वेश्चन उन्होंने खुद ही रेस किया और उसका खुद ही जवाब दिया उससे होता क्या है दो चीजें फर्स्ट इज कि आप अगर उस क्वेश्चन में इंटरेस्टेड नहीं है तो आप कॉलम मत पढ़िए अगर आपकी उस कॉलम में उस क्वेश्चन में इंटरेस्ट है तो आप फिर वो कॉलम जो है वो आगे पढ़ेंगे सो दिस इज वॉट इट इज इफ यू आर नॉट इंटरेस्टेड ड्रॉप द कॉलम इफ आर इंटरेस्टेड यू विल रीड थ्रू द कॉलम एंड यू लाइक टू नो देंसर ट्रू दैट क्वेश्चन Which has been raised by that columnist, and through which you will be actually learning what you will be actually learning about the reasons, or you will be actually knowing the answer to that particular question. Such columns are considered to be popular and are popular because of the fact that obviously there are so many questions in the minds of the people, and they like to raise those questions and will like to get the answers of those questions. So, this is an important kind of a style of writing which is considered to be of an interesting nature different from others different to the extent that the columnist is raising a question and then answering it himself so he is raising a question he is answering it and it makes it easy to understand for the reader that whether he is interested in this question to read or not secondly जनरल पब्लिक एज वेल बहुत सारे लोग जो है आम लोगों में से भी दे लाइक टू नो कि जी इन मौजूदा सवाल के जवाब क्या हैं और उन सवाल के जवाब देने के लिए वो कॉलोनिस्ट मौजूद होते हैं इस चीज से आपको यह भी बात समझनी चाहिए कि कॉलोनिस्ट का काम सिर्फ और सिर्फ लिखना नहीं है वो लोगों को समझाता भी है वो लोगों को बताता भी है सो दिस स्टाइल गिवस एम्पल ऑपर्चुनिटीज टू रेज शनल पैरामाउंट इम्पोर्टेंस जो भी क्वेश्चन हो सकते हैं किसी भी शख्स के जो जहन में आ सकते हैं इन कॉलम्स में वो कॉलमिस्ट जो है वो क्वेश्चन रेज करते हैं फिर उनका जवाब देते हैं और ऑब्वियसली जनरल पब्लिक भी जो है वो भी उनसे जो है वो सीखती है और अपना जो पर्पज़ है इंस्ट्रक्शन का गाइडेंस का किसी भी राइटर का वो भी ऐसे कॉलम्स के जरिए लाजमी अप्रूव होता है जो मैंने आपसे पहली बातें की थी जिन स्टाइल्स की मैंने आपसे बात की थी वहां से मोस्ट ऑफ द रीडर्स लर्न समथिंग फ्रॉम देम बट फ्रॉम हेयर बिसाइड्स लर्निंग गेट आंसर्स टू देर क्वेश्चनिस्ट बट दे आर दे आर बींग एंसर्ड द दिस्ट इन हिज कॉलम सेकेंडली दीज आर ऑलवेज रिटन इन easy to understand style as these are actually what these are meant for the general public for all the readers so these are what done these are done in an easy style of writing so that all the people can understand they also say that a good columnist paves the way for instruction teaching and improving educational values and standard of the general masses in an effective way so through this column he is actually doing what he is educating the masses he is educating the readers he is instructing people and he is answering the questions which have not been raised through anything rather which have been raised by the columnist himself and then answered thank you very much alaikum.